मैंने ना अपनी पति में साल हो गया घर बैठिया नू, अभी कुछ नहीं भैन भरावां ने इलाज नहीं कराने, कोई इलाज नहीं कराया। फिर मैं इन्होंने सेवा की, लीड़ा कपड़ा दिता, हर चीज किया। फिर मैं उस तो बाद बैठ गई फ्रेंड है भी बाद रोज भाजी जी चार 300 रुपया किराया कट लेता वा, तो बाकी 100-200-300 रुपया बच जाता, दो ही उत्ते लग जाते हैं। 6:30 गड्डी करती है शामी, सवेरे सवेरे हाँ जी, शामी 12 बजे तक कई गड्डी चलाते रहने रात में। अक्सर ऑटो चलाते तुसी नौजवान देखे होंगे, लोग देखे होंगे, लेकिन अज असी तुहानू एक ऐसी मेहनतकश औरत की कहानी दिखा जा रहे हैं जो कि ऑटो चलाती है और ऑटो चला के अपने पति का इलाज करवाती है। दरअसल उन्होंने पति जिहड़े ने किसी बीमारी तो पीड़ित ने, तो उस तो बाद जिहड़ा है हुण वो ऑटो चला के अपने पति का इलाज करवाते हैं। तो तस्वीर चो तुसी वेख सकते हो कि इस महिला का नाम अंजू है जो कि धार्मिक स्थानों के बाहर ऑटो चलाते हैं और सारा दिन ऑटो चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इस औरत दे जज्बे नूं सलाम है कि लोग मेहनत करते हैं लेकिन इन्हों मेहनत कुछ ज़्यादा वक्री है क्योंकि अक्सर एक ऑटो चलाना एक औरत वास्ते काफ़ी मुश्किल होंदा है। तो किवें शुरुआत की जी? मैंने ना अपनी पति में साल हो गया घर बैठिया नूं, अभी कुछ नहीं भैन भरावां ने इलाज नहीं कराने, कोई इलाज नहीं कराया, ना भरजाई ना भरा ने हाथ लाया। इसकी भैन नूं मैं हाथ जोड़ के हाथ बेनती करके इसकी इलाज करवाया। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੀੜਾ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਗਈ ਫਰੰਡ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਡੋਵਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਜਣਾ। अभी मैं खुदा दे गाड़ी हाथ जोड़ के खुदा मेरे पति नूं चाहे रख लो चाहे मार दो लै जाओ नाल। फिर इन्हां नूं हाथ जोड़ के खुदा दे नाल मेहनत करके फिर इन्हां नूं पैसे ला ला के फिर इन्हां नूं बचाया मैं इन्हां नूं। तां तुसीं किन्ने पैसे रोज़ दे कमांदे हो ते पति दे इलाज दे उत्ते किन्ने क पैसे रोज़ दे खर्च हुंदे ने? रोज़ भाजी जी 400-300 रुपया किराया कढ लैंदा वा, ते बाकी 100-200-300 रुपया हन बच जाता, दो ही उत्ते लग जाते हैं। इलाज करा के मैं तुम ठीक हो जाओ गड्डी चल मैं आप ही वालिया करांगी, कुछ ना करो। ये भैन भरा भी कह कोई गड्डी गुड्डी ना वाया कर, वेला रहा कर। ये कहते वेले मेरा टाइम पास नहीं होंगे भी। मैं चलानी 6:30 गड्डी करती हां शामी, सवेरे सवेरे हां जी, शामी 12 बजे तक कई गड्डी चलाते रहने रात नूं। रात नूं भी चलांदे हो? हां जी। दिक्कत नहीं आती? नहीं नहीं कोई गलत मलत नहीं कोई बहती, कोई सवारी चंगी टक्कर दी है शराबी बंदा होवे असी उन्होंने भाजी पा सकते भी, तो कोई भी कोई प्रॉब्लम किसी नहीं पा सकते। सिर्फ अही ये है अपने बंदे के फायदा दे आप दोवे जी रल मिल के डे हाँ। पर अपने घर वाले दा इलाज कराना? हाँ जी। मंगते नहीं तुसी? असी मंगते नहीं किसी की गाड़ी, इन्ना कु भरा क पैसे मंगे असी, वो कहते साढ़े को है नहीं कुछ नहीं हैगा भी। तो फिर अं थोड़े थोड़े करके अं अपने भैन भरावा को पैसे मंगे, इन्होंने टेस्ट करवाए सारे मैं भरा को पैसे लैके। मेरी मम्मी मेरा डैडी इदा पूरे हो गया, मेरी मम्मी है उन्होंने बेचारे ने पैसे ला ला के इन्हों इलाज कराया। बिल्कुल तुम वेख सकते हो ऑटो चलाते नजर आने, तुम दिखा रहे हैं असी कि तस्वीर तुम अमृतसर तो दिखाने कि किस तरीके ऑटो चलाते ने। अंजू इन्हों का नाम है जो कि जिहड़ा है अमृतसर दे विच अक्सर धार्मिक स्थानों पर नज़र आते होंगे, लेकिन इन्हां दी कहानी बड़ी अलग है। कहानी इस करके अलग है कि ये औरत जिहड़ी है कि इन्हां वल्लों जिहड़ा है कि इस करके ऑटो चलाया जाता है कि इन्हां दे पति जिहड़े ने वह जिहड़े ने वह बीमार ने, तो बीमारी की हालत दे विच उन्हां दा इलाज करवाउण वास्ते जिहड़ा है
खुद मैदान च उतरे ने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मकसद एक ही है कि वह अपने पति को ठीक कर सकन। तस्वीर तुहानू अमृतसर तो सांझियां कर रहे हैं। तो तुसी देखो कि अंजू जिहड़े ने एक मेहनतकश औरत जो कि इस वेले तुहानू टीवी स्क्रीन पर वेख रहे हो वो नज़र आ रहे हैं। तो असीं उन्होंने गलबात जारी रखांगे। मैडम बहुत हौसला चाहिए कि सारा दिन 6 तो लैके तुसी कहा राती 12 बजे तक तकरीबन जरा 18 घंटे काम कर दे। हाँ जी 18 घंटे पाजी करके घर चल जाइए 12 तो अही टाइम सर घर चल जाइए। 2 बजे हाँ जी। तो फिर सोंदे किसले तो उठदे किसले किसले काम करदे हो? सोंदे अही 6:30 बजे उठ जाइए वा ते टाइम सर अही रोटी पानी नाश्ता करके टाइम सर इन्हां नू नाल ले लईदा वा। ऑटो किराए ते है कि अपना? नहीं किराए ते है। किन्ना? 300 रुपया किराया इहदा। जो बारिश बुरश होंगी तो फिर दिहाड़ी कटनी औखी नहीं हो जाती? हाँ जी बारिश की औखी होंगी फिर करांगे भाजी रोटी पानी बनावांगे खर्चा पानी बनावांगे फिर साढ़े ढिड च कुछ ना कुछ पेगा तो ढिड च नहीं कुछ पैना तो बीमार ही होना वा कुछ ना कुछ कि मेहनत करते मेहनत करते हैं। बच्चे नहीं? नहीं बच्चे कोई नहीं पूरे हो गए साढ़े वह भी किसी ने कुछ करता है मेरे बच्चे मेरी सस न तो मेरे बेटे कुछ करता कुछ ते मेरिया गुडिया दो उन्होंने कुछ करता वा अभी मेरे पति ने भी कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल तुम वेखो कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे नहीं ने तो वो जो है उन्होंने वालों ऑटो चलाया जाता है तो भीड़ भाड़ वाले इलाके खास करके जरा है वो महिला एक ऑटो चलाती है तो अंजू इसका नाम है। और सब तो वड्डी गल है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मकसद एक ही है कि उन्होंने पति जड़े ने बीमार रहते हैं तो अपने पति का इलाज करने वास्ते ऑटो चलाते हैं ताकि उन्होंने वो बचा सकन। तो इस औरत की कहानी तुहानू अज असीं सांझी कर रहे हैं। अमृतसर तो ई रिक्शा चलाती है यह औरत खास करके उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन उसके आस पास के जोड़े इलाके ने खास करके उत्थे उन्होंने वालों ऑटो चलाया जाता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो तुम वेखो कि परिस्थितियों और रात वेले तकरीबन 6 बजे तो लैके रात के 12 बजे तक है लोग ऑटो चलाते हैं तो उस किस तरीके की मेहनत जी है उन्होंने वालों की जा रही है। और तुम देखो कि हाथ नाल भी किसी वे चलाना पैंदा है दिक्कत आदि ने तो उसकी तस्वीर तुहानू सांझी कर रहे हैं। तो तस्वीर तुम वेख सकते हो इस वेले असी गल कर रहे हैं तो किस तरीके दे नाल एक औरत की कहानी है। तो मैडम जो रात दिक्कत होंगी है किसी वेले तो किस तरह फिर अपना मुश्किलों निपटते हो? दिक्कत भाजी सानू कोई नहीं होंगे भी दिक्कत यह है मीह आवे नेरी आवे असं घर चल जाने टाइम सिर घर में जाके आ जाती 300 की दवाई आती 400-500 हज़ार साढ़ा रुपया लग ही जाता बल्कि 400-500 रुपये हज़ार रोज का। हाँ जी इन्ना कमा लेंगे? हाँ इन्ना भी नहीं कमाया जाता बस 300 रुपया किराया निकलता बाकी ये भी किराया कट के बाकी 100-200 रुपया साढ़ा निकलता वा। बिल्कुल तुम देखो कि इन्नी मेहनत करके भी 100-200 रुपये अपना गुजारा कर रहे हैं। तो एक औरत की कहानी तुहाडे नाल सांझी की है। तो नाम है इन्हां दा अंजू जो कि स्टेशन पर अक्सर नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मजबूरी है कि उन्होंने पति जिहड़े ने सेहत पक्षों काफ़ी कमज़ोर ने और डॉक्टरों ने उन्होंने कहा कि महज रोज़ की 400-500 रुपये की दवाई खानी पेगी। तो जो कोई गुजारा नहीं गया कि जो कोई पैसा नहीं मिलया तो औरत ने खुद कमान संभाली है। तो अज अपने पति दवाई वास्ते खुद सड़कों पर उतर के ऑटो चलाते हैं और सारा पैसा अपने पति के इलाज पर लगा रहे हैं। तो सलाम है इस महिला नूं जिसने की कहा कि मैं इन्ने बुरे हालात के भी मंग के नहीं खाना चाहती मेरी इच्छा है कि मैं मेहनत करा और मेहनत करके तकरीबन 18 घंटे हर रोज़ ऑटो चला के अज समाज के एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। कैमरामैन अर्श के नाल सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।